आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ दादी नानी के हाथों की बनी स्वादिष्ट अचार की रेसिपी। आज हम बनाएंगे करेले और आम का अचार। इस तरह से आप करेले का अचार बनाएंगे तो ये कड़वे बिल्कुल भी नहीं आएंगे। आप इस तरह से करेले का अचार जरूर बनाइएगा, ये बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब बना है और बिल्कुल भी कड़वा नहीं है, क्योंकि इसको मैंने बनाया है एक अलग ही ट्रिक के साथ। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं हूँ कीर्ति और कीर्ति के ट्विस्ट किचन में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले करेला और आम को हम अचार के लिए काट लेते हैं। तो ये है करेला, इसको हम थोड़ा सा बड़ा बड़ा और पतला पतला काटेंगे। ये देखिए, इसको हमें बहुत बड़ा नहीं काटना है, थोड़ा पतला ही रहे तो सही रहता है। तो ये लीजिए, मैंने सारे करेले काट लिए। ये आम भी हम काट लेंगे। जो आम का गुदा वाला हिस्सा है उसको अलग करके हम उसको छोटे छोटे पीस में काट लेंगे, बीज है उसको फेंक देंगे। तो ये लीजिए, हमने आम भी काट लिया। आपने देखा दोनों की क्वांटिटी बिल्कुल सेम है, करेला और आम बिल्कुल सेम क्वांटिटी में लेना है। तो अब हम लेंगे बड़ा सा तसला, इसमें कटे हुए आम और करेले को डाल देंगे और इसमें डालेंगे आधा चम्मच नमक, एक चम्मच हल्दी पाउडर। हल्दी और नमक को भी हम इसमें मिक्स कर देंगे, अच्छे से मिला देंगे। इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिलाने के बाद हम इसको 2 घंटे के लिए धूप में सुखा देंगे। आप देख रहे हैं इस समय धूप बहुत तेज़ से हो रहा है, तो इसलिए सिर्फ 2 घंटे। छत पे या धूप जहाँ भी अच्छा आता हो, एक पतला सा कपड़ा बिछा लें और उसके ऊपर जो कटे हुए आम और करेले हैं उसको अच्छे से फैला दें। कपड़े पर फैलाने से इसका सारा पानी सूख जाएगा। ये लीजिए, ये बिल्कुल तैयार है वह अचार बनाने के लिए। तो इसको वापस हम दूसरे बर्तन में पलट देंगे और इसमें डालेंगे 3 बड़े चम्मच अचार का मसाला। इतनी क्वांटिटी के लिए हमें 3 बड़े चम्मच अचार का मसाला चाहिए। और अब हम इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 बड़ा चम्मच हल्दी पाउडर और स्वाद अनुसार नमक और थोड़ी सी तीखी लाल मिर्च, इससे कलर अच्छा आएगा, और थोड़ा सा सरसों का तेल। अभी हमें इसमें सरसों का तेल बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे, थोड़ा सा ही करेंगे जिससे अचार अच्छे से मिक्स हो जाए। इस बात का ध्यान रखना है कि अचार में नमक और तेल की कमी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो अचार खराब हो जाएंगे। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा छिला हुआ लहसुन। लहसुन डालने से बढ़िया टेस्ट आता है। इसमें हम डालेंगे सरसों का पाउडर। पहले मैंने सरसों को कढ़ाई में थोड़ा सा भून लिया और उसका पाउडर बना के इसमें डाल दिया 1 बड़ा चम्मच, वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। तो अचार बन के बिल्कुल तैयार है। अब हम इसको किसी प्लास्टिक के डिब्बे या शीशे के जार में भर देंगे। थोड़ा सा डालने के बाद हम चम्मच से इसको फोक कर देंगे ताकि अचार अच्छे से नीचे बैठ जाए। और फिर हम इसमें डालेंगे और थोड़ा सा सरसों का तेल। ये लीजिए, हमारा मज़ेदार अचार बन के बिल्कुल तैयार हो गया, करेले और आम का अचार। ये अचार बनाने का बिल्कुल देसी तरीका है, वो जो पुराने ज़माने में दादी और नानी और माँ जो अचार बनाती थी ना, बिल्कुल वही वाला इसमें स्वाद है। अब हम अचार को 2 दिन के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। 2 दिन हो चुके हैं और हम अचार को अब ट्राई करेंगे अपने हाथों से क्रश करके। ये देखिए, अचार बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है और बहुत ही बढ़िया। इसमें हम थोड़ा सा और सरसों का तेल डाल देंगे कि सरसों का तेल और नमक रहेगा तो अचार खराब नहीं होंगे। तो जब भी आपको अचार लेना हो तो साफ और सूखे चम्मच का उपयोग करें, अचार साल भर खराब नहीं होंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो कमेंट में जरूर बताएं, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक नमस्कार, बाय फ्रेंड्स।